राजा होने का मतलब होता है सन्यासी हो जाना, वो गुण मोदी जी में योगी जी में है। 1992 में जब ढांचा गिरा था तो थोड़ा कार सेवा उस समय लोग कर रहे थे, और मैं और मेरी पत्नी ने भी तसला उठाकर कार सेवा में थोड़े समय के लिए योगदान किया था। हम भैया चाय बेचते हैं, मोदी जी जो पहले करते थे क्या वही भड़काऊ भाषण देता है, वही सब कुछ करता है। हिंदू के खिलाफ हमारी मंदिर बनने जा रही है, तुम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, उसमें क्या है आपका? जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको दे दिया। आज लोग कह रहे हैं बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबर था कौन यार, मुझे कोई इतिहास तो बताए। लुटेरा था, लुटेरा। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा ये बताइए कितनी खुशी है अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है? हमें तो अपार खुशी है, आज के 50 सालों पहले भी ये खुशी हमने नहीं देखी। अभी हम लोग यहाँ से 2 महीने तो हमारा यहाँ पूर्ण का निवास है, जितना दिन से यहाँ कोरोना है हम यहाँ निवास कर रहे हैं। हम ज्यादा भ्रमण करते हैं अन्यत्र जगह, कर्नाटक से लेके केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जो मंदिर और मैंने देखा वैसा ही आज यहाँ का मोदी जी जो निर्माण कर रहे हैं उसी हिसाब से नियम धर्म और यहाँ का पालन किया जाए, और मोदी जी का पूरा सहयोग हो, योगी जी का पूरा सहयोग हो, और जो ये मोदी जी और योगी जी जो ये मंदिर का बहुत ही भाग की बात है यहाँ के लोगों, ये हिंदू सनातन की संस्कृति जो सो गई थी आज जगी है, क्योंकि ये राजनीति से जोड़ा गया था। हम किसी का सपोर्ट करते नहीं हैं, संत लोग कोई भी संत हो, योगी भी एक संत हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल संकल्प उनका है। हमारा संकल्प होता है, सपोर्ट नहीं होता। हमें मोदी का भी संकल्प सपोर्ट नहीं है, हम संकल्प करके रखा है जो धर्म को लेकर चलेगा वो राज्य करेगा। देखो शास्त्र में आता है 4 चीज, पहले आता है धर्म, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद आता है काम, उसके आता है मोक्ष। जब हम धर्म करेंगे तो हमें उसका अर्थ मिलेगा। हम धर्म राजा जो होता है, राजा होने का मतलब होता है सन्यासी हो जाना, वो गुण मोदी जी में योगी जी में है। 1980 और 85 जब हम यहाँ आया करते थे तो हमको ऐसा लगता था ये उसके पहले कि आज होली है, आज दिवाली, जैसे ये रंग दिख रहा है, सब आपस में प्रेम में और निर्भयता से घूम रहे हैं और नियम का पालन कर रहे हैं। पहले भी ऐसे था, लेकिन बीच में ऐसा हो गया, भयावह हो गया, जातिवादता हो गई, राजनीति की राजनीति चलने लगी, और हम लोग निर्भय से घूम सकते नहीं। कभी किसी गली में, किसी परिक्रमा में सब जाति पात दुनिया की पार्टियां चल गई, लेकिन आज वो दिन आ गया है। हम कोई पार्टी की बात करते नहीं, ना हम मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, ना हम योगी जी का सपोर्ट करते हैं। ये जो शांति दिया आज यहाँ जो चल रही है, हम अभी परिक्रमा करके आ रहे हैं, 14 कोसी परिक्रमा जी। परिक्रमा मार्ग में मैंने क्या देखा, इतना आनंद आता है, इतना शांति आता है। थोड़ा वहाँ का भी मोदी जी और योगी जी ध्यान रखें। और पंचकोसी परिक्रमा में 2 तीर्थ है, एक चक्रतीर्थ, उसको गटर और नाला बना दिया गया है। इसको सच सच अगर सच्चे हो तो इसको आप देना जरूर जी। एक बोलते हैं चक्रतीर्थ और एक है दशरथ कुंड, 2 तीर्थ अभी बाकी है, क्योंकि वहाँ पर तो हम डेली 2 महीने से 5 कोसी की परिक्रमा डेली करते हैं डेली, और अमावस्या पूर्णिमा एकादशी को 14 कोसी परिक्रमा करते हैं। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से, ये कौन सा चैनल है, दराज धर्म के, आपकी बात इस पर जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं ये मेरी बात मेरी सच्चाई से डालना चाहिए कि 5 कोसी परिक्रमा में और 14 कोसी परिक्रमा में जो लोग परिक्रमा करते हैं, कार्तिक में करते हैं, हर 12 मासी करते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। ये मोदी की बहुत बड़ी कृपा होगी योगी जी की, और ये जो कार्य मोदी योगी जी कर रहे हैं, ये कोई गीता पढ़ा जाए तो योगी और कोई नहीं है, ईश्वरी अंश इनके अंदर है। मोदी और राजा जो होता है ईश्वर का अंश है, उनमें पूर्ण राजा होने का, यानी आप खुश हैं उनके जो है जी? बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। 6 दिसंबर को हम भी यहाँ आए थे, 6 दिसंबर को हम भी यहाँ आए थे, हमारा जन्मभूमि जौनपुर जिला में है, हम यहाँ संत हैं, अपने घर से परिवार से हमको कोई वास्ता नहीं है, लेकिन 6 दिसंबर में जब यहाँ जेल भरो आंदोलन था तो उसमें मैं भी आया था, वो प्रकृति देखा, आवाज की देखा, मैं भी एकदम आनंद ले रहा हूँ, एकदम आनंद ही आ रहा है। और हर आश्रम मठ में लोग साधु संत की सेवा भी कर रहे हैं, चाहे वो छोटी छावनी हो। आज अब राम राज्य आ गया महाराज, हमारे लिए तो हमारी अयोध्या में तो राम राज्य है। अब वो जो बाहर है वो खुद खेती कर रहे हैं, जैसा कर्म कर रहे हैं, लिए उनको नहीं दिख रहा है।
राजनीति करोगे, पाप करोगे, एक दूसरे से राग द्वेष करोगे, तो आपको रामराज है लेकिन दिखता नहीं। हमारे अंदर भगवान है लेकिन क्या है। लिथ यात्रा जी उस पर तो श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में मोदी जी उसके सारथी थे जी। आज वही मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में इस मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन होने जा रहा है और उनके और योगी के दोनों के मिलने से पूरी अयोध्या का विकास सतत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी यहाँ पर आना चाहिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि देखिए देश का विषय है, सनातन का विषय। हाँ ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की कोई लीडरशिप नहीं रही, उनका कोई नेतृत्व नहीं रहा और जो राहुल गांधी जी हैं ये मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है। ये बिला वजह बेवक्त हमेशा अपना वक्तव्य देता रहता है और इसके रहने से कांग्रेस की जो बची खुची साख है, संख्या है, ये पूर्णता समाप्त हो जाएगी। आप अगले इलेक्शन तक खुद इसको देखेंगे। लेकिन अगर उन प्रधानमंत्री के आने पर क्यों ओवैसी साहब को जो है खटक रहा, वो कह रहे हैं कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। ओवैसी साहब को कुछ ना कुछ बोलना है और उनको ये दिखाना है कि मैं मुसलमानों का सर्वमान्य नेता हूँ और उनके पीछे इसमें कुछ ही परसेंटेज संख्या है, ज़्यादा नहीं है। बताइए धर्म हमारा है, क्या हम अपने इष्ट को पूजने नहीं जाएंगे जी। क्या ओवैसी साहब मस्जिद में नहीं जाते हैं भाई? तो सब अपने अपने धर्म का पूजन करते हैं जी। तो मोदी जी को चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई राष्ट्रपति भी हो, उनको हक है कि अपने पूजन में वो शरीक हो और उनसे अपने कुशल मंगल की याचना करें और उसे प्राप्त करें जी। आपका आप यहाँ पर ही रहते हैं बाबूजी, अयोध्या की हम यही बेनीगंज क्रॉसिंग के पास है। आज जो वर्तमान पीढ़ी है वो कुछ पुरानी के ऐतिहासिक तथ्यों को भी जानेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं साधु संतों का और इसकी बड़ी बड़ी पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें, हर चीज मौजूद है। तो आपके जीवन से कुछ जुड़ी घटना जिसे आप सोच कर आज भावुक हो रहे हैं। ऐसा है कि 1992 में जब ढांचा गिरा था तो थोड़ा कार सेवा उस समय लोग कर रहे थे और मैं और मेरी पत्नी ने भी तसला उठाकर कार सेवा में थोड़े समय के लिए योगदान किया था और आज मंदिर जी बनने को लेकर बहुत आत्मिक आनंद है और ऐसा विश्वास हो रहा है कि अपने जीते जी हम लोग उनका दर्शन विराज। आप लोगों के त्याग तपस्या को रामलला ने सुन लिया, भगवान श्री राम ने सुन लिया। राम सुनते ही हैं, उन्हीं की कृपा से आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी उन्हीं की कृपा बनी रहेगी ऐसा विश्वास है। आज अटल जी की भी कहीं ना कहीं बहुत इसमें प्रमुख भूमिका है। बहुत सारे नेताओं ने अगर बात कर ले, सारे 500 साल तक ये युद्ध चला है जी। लाखों लोगों ने अपनी बलिदानी दी है। 1992 में कार सेवा के मतलब उस समय राम भक्तों पर गोली चली तो बहुत बड़ा संघर्ष हुआ लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई और ढांचे के नीचे से जो भी शिलालेख या जो भी मूर्तियां, पत्थर, खंभे आज मिले ये रामकालीन युग के पाए गए। हम भैया चाय बेचते हैं, मोदी जी जो पहले करते थे क्या वही चाय। क्या बात है। नहीं बिल्कुल ये बात तो है ही और कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया जाए तो आपके दुकान पर भी बहुत सारे लोग आते होंगे। उत्साह कैसा है अयोध्या? उत्साह हमारे यहाँ ऐसा है जैसे एक दिवाली मनाने जा रहे हैं हम लोग। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री आएंगे उस दिन हम घर घर 5-5 दीपक जलाएंगे और मोमबत्ती जलाएंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे कि हमको ये अवसर मिला, तो ये अवसर हमको मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक राक्षस जो है वो ऐसी जो बैठा है वो ऐसी, उसको प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्यों नहीं जेल में डालते हैं उसको? यानी उनके बयानबाजी से आपकी नाराजगी? उन्होंने आने की नाराजगी है हमारे उनके बयानबाजी से। हाँ उसको क्यों नहीं डालते हैं जेल में उस ऐसी को? वही भड़काऊ भाषण देता है, वही सब कुछ करता है हिंदू के खिलाफ। हमारी मंदिर बनने जा रही है, तुम क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? उसमें क्या है आपका? जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको दे दिया मंदिर के बजाय अगर मस्जिद दे दिया तो हमारी कोई औकात नहीं थी बोलने के लिए।
तो जैसे हमारी औकात उसमें नहीं है तो मंदिर में क्यों उनकी औकात है? बिल्कुल, तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में, और यही प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि ओवैसी का कोई जल्दी दवाई ढूंढे। जी जी, अब कुछ और भी बातों को हम करना चाहेंगे। विकास भी अयोध्या में हुआ है, अगर बात कर लिया जाए 2017 के बाद जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाला, विकास भी हुआ है। गली गली में विकास हुआ है, हमारे गली गली में विकास हुआ है, यही नहीं पूरे गली गली में। आपका शुभ नाम सर? अंकित सिंह। अंकित सिंह अयोध्या के हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर जी। एक अगर युवा के तौर पर भी बात कर ली जाए तो हमारे धर्म संस्कृति के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है, अवसर है, क्या एक नए स्वरूप में अयोध्या जो है दुनिया के सामने आने? देखिए, अयोध्या हमेशा एक नए ही स्वरूप में थी, बसरते विडम्बना के तौर पर देखा, और जहाँ तक थी हमारे हम लोगों के जात पात की, तो कभी राम किसी जात के नहीं थे। बिल्कुल। और राम ने कभी किसी शक्तिशाली को लेके कोई युद्ध नहीं लड़ा, वो एक समाज के लिए एक प्रतीक थे, और उन्होंने जब भी, अगर उनको लड़ना ही होता तो अयोध्या से सेना बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने जब भी चुना हमेशा एक ऐसे निरीह को चुना जो किसी लायक नहीं था। उन्होंने सुग्रीव को चुना तो राजा बना डाला जी। उन्होंने बंदरों को चुना तो सैनिक बना डाला। उन्होंने विभीषण को चुना जो एक लात मार के निकाले गए थे तो लंकेश राजा बना डाला। तो ऐसा नहीं, उन्होंने सिर्फ कर्म की विडंबना को तोड़ा है और सिर्फ कर्म के साथ वो चले हैं, राम किसी जात के नहीं थे जी। देखिए क्या बात है, युवा ये सोचता है बिल्कुल जात से ऊपर। जहां तक हर मैसा ही होता, हिंदू कट्टरपंथी थे, राम कट्टरपंथी थे, बात कट्टरपंथी था कि हमने कभी कोई कट्टरपंथी नहीं की। हमने गुरुकुल में हमारे गुरु देखा जाए तो लोकुश पैदा हुए थे वाल्मीकि के, जो कि किस कास्ट के थे लोग जानते हैं। अगर हम जात पात करते हैं तो हमारे कुल की शिक्षा दीक्षा वहाँ नहीं होती। दूसरी चीज, हम लोग विश्वामित्र जी के यहाँ पढ़े, अगर हम लोग जातवादिता के, तो हम कभी केवट को हमने गले लगाया, हम केवट को, निषाद को हमने गुरुकुल में एक साथ पढ़ा, और लोग कहते हैं कि गुरुकुल में शिक्षा शूद्र वर्जित थी, तो फिर केवट शिक्षा राम के साथ कैसे ग्रहण, क्या मुझे कोई बता दे। ये आज के चंद लोग राजनीतिक अखाड़ा बनाने के लिए पूरे इंसानियत को तोड़कर जातिवाद का अड्डा बना डाला जी। आपने जो बात कह रही है मैं उसको थोड़ा सा संक्षेप में कहता हूँ कि कहीं ना कहीं जब भी कोई बात आती है तो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म चार भागों में बटा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जबकि ऐसी बात पुरानी परंपराओं की कर लिया जाए तो ऐसी बातें नहीं थी, कर्म के आधार पर। देखिए, अगर ऐसा होता तो हम लोग कहते हैं कि रावण सबसे बड़ा विद्वान था, उसने कुछ ऐसा कर्म किया कि सारी शक्तियाँ उसने अर्जित की। उससे बड़ा विद्वान भी कोई नहीं था, उससे बड़ा उस युग में शक्तिशाली भी कोई नहीं था, लेकिन कर्म उसने अपना ऐसा किया कि उसकी सारी शक्तियाँ छीण हुई, और वही भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में हैं। ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, उन्होंने कभी किसी जात का संघार नहीं किया, उन्होंने कर्म का संघार किया, और वो सिर्फ कर्म के लिए दिखाई देते हैं, ना कि किसी जात धर्म की कोई भी यहाँ विडम्बना ही नहीं। भैया कुछ राजनीतिक बातों पर भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि युवा हैं आप, और देखिए अब जो है पूरी तैयारियां अयोध्या में चल रही, आने वाले कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी बयानबाजी चल रही है। हैदराबाद के ओवैसी ने सीधे कहा है कि क्यों वो वहां पर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मान लो आज वो प्रधानमंत्री हैं ना आए, ठीक, एक पूरा देश उनको देख रहा है, और एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है जो किसी जात धर्म से हटकर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को दिया है, ठीक है। आज वो आ रहे हैं तो गलत है, वो मस्जिद में जाते हैं सही है। इसके पहले आप नहीं जानते हैं तो जानिए, राजीव गांधी जी ताला तोड़ने आए थे, वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कहाँ बयानबाजी थी, तब किसी ने बयानबाजी नहीं की, तब भी तो होना चाहिए। तो देश के एक प्रधानमंत्री के अलावा वो देश के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, और इस नागरिकता के कारण उनका आना हमेशा सदैव धर्मतुल्य है जी। बाबरी मस्जिद की बात कर ली जाए तो उन्होंने आक्रमणकारी भीड़ बताया है उसको, जिन्होंने की वो किया और जिन्होंने तोड़ा, और कहीं ना कहीं उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसको लेकर वो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ें हो रही हैं उससे उनकी नाखुशी लग रही है, और ये पूरे सनातन संस्कृति की बात है, पूरे भारतीयों की बात है। ठीक है, पूरे भारतीयों की बात है, पूरे सनातन संस्कृति की बात है। आज लोग कह रहे हैं बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबर था कौन यार, मुझे कोई इतिहास तो बताए, लुटेरा था, लुटेरा कौन नहीं जानता है कि उसने क्या नहीं किया, एक भी ऐसा कर्म बता दीजिए जो उसने किया हो। वो जहाँ भी गया उसने क्या किया, लुटेरा, तोड़ मरोड़, और ये हिंसा के अलावा वो हुए औरंगजेब, कोई भी शासक हो, आप बता दीजिए कि बात सिर्फ हम पे आती है, लेकिन हिंसा तो वही करते हैं यार, एक लुटेरे को हम एक पूजनीय बना देते हैं। तो इन जो सेकुलर का जो चोला ओढ़े हैं उनको ये बातें क्यों नहीं समझ में आती है? बिल्कुल, अगर बात कर लिया जाए तो युवा पीढ़ी ने पूरा ऐतिहासिक के तथ्यों को खगाला है, वो समझते हैं कि जो आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारी इमारतों को ध्वस्त किया है, लेकिन इन्हें क्यों नहीं बात समझ में आती है? देखिए, अगर उन्हें बात समझ में आ जाएगी, उनको तो सिर्फ मुद्दा भुनना है, उनको पूछेगा कौन। मेरे कहने का मतलब, अगर सब धर्म युग में ही चले जाएंगे तो फिर
चिल्लाने वाले कौन, जैसे कुत्ते होते हैं तो सारे कुत्ते अगर जगन्नाथ जी चले जाएंगे जगन्नाथपुरी तो यहाँ पत्तल कौन चाटेगा भाई, बोलने वाले तो रहेंगे ही ना। जो विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष आज तक कभी नहीं भूल पाया, विपक्ष का मुद्दा होना चाहिए अगर विकास पे तो वो कही नहीं रहा है, अर्थव्यवस्था पे होना चाहिए कही नहीं रहा है, एक ही मुद्दे को लेकर हर बार। आप मुझे कोई इतना यहाँ जो भी जानकार हो मेरी संवाद करा दीजिए, कोई बता दे इस्लाम आज से कितने वर्ष पहले आया, मोहम्मद साहब उसके प्रवर्तक थे, 569 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और उसके पहले इस्लाम कहाँ था, 1500 साल में अगर इस्लाम बढ़ा तो केवल आक्रमण के बदौलत बढ़ा, कोई मुझे बता दे जी, कोई मुझे बता दे उसके पहले कौन था। और ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, 3500 साल पुराना हमारा महाभारत से लेके हमारे संस्कृत वेद पुराण का इतिहास रखा है यार, कोई उठा के पढ़ ले वो तो दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी अक्सर कुछ बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और इस समय कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को भी लेकर सरकार पर वो पूरी तरह हमलावर हैं, और ये मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय, उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, प्रियंका गांधी की भी नहीं आई है, क्या उनको अयोध्या आना चाहिए? देखिए राहुल जी का जो कार्य था वो तो कर नहीं पा रहे हैं, एक विपक्ष मजबूती के साथ जो उनको अपने मुद्दे को भुनना था वो तो भुन नहीं यार, और तो आप उनकी बात करते हैं जो फैक्ट्री से आलू बना डालते हैं यार राहुल जी की बात क्यों कर रहे हैं भाई, वो कब क्या बोल जाए उनको खुद ही नहीं पता है भाई, कभी कभी वो मुद्दे देते हैं कि 12,000 महीने हम भत्ता देंगे और 72,000 उनकी काउंटिंग साल की। बात करना इसलिए जरूरी होता है कि वो हर विषय पर ट्वीट करते हैं, तो राम मंदिर के विषय पर उन्होंने क्यों नहीं अभी तक ट्वीट किया, अभी चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए अभी तो उनको चुनावी मुद्दा दिख रहा होगा तो फिर इस पर ट्वीट क्यों करेंगे, वो तो 5 के बाद ट्वीट करेंगे कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है भुना जा रहा है जी। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो फिर आप सबसे मुलाकात होगी, नमस्कार।